हाँ तो भैया होली की राम राम और होली के इस रंगीन त्यौहार की आपको रंग बिरंगी शुभकामनाएं। एमपी की राजनीति की ये होली एक्सप्रेस सरपट रफ्तार पकड़ रही है, ऐसे में महोदय जी ये कहना भी लाजमी है कि बुरा ना मानो होली है। जी हाँ, होली का त्यौहार ही कुछ ऐसा है जो कि हमें हंसने गुदगुदाने का मौका दे जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और होली एक्सप्रेस में ही शुमार हैं, सवार हैं अगले मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, जो कि ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग का दायित्व संभालते हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। हाँ, यूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी माने जाते हैं सिसोदिया जी, लेकिन मध्य प्रदेश में ग्रामीण राजनीति का बड़ा चेहरा बनकर उभरते नजर आ रहे हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया। इस बार जनता के बीच में भगवा रंग से होली खेल रहे हैं, हालांकि हाल ही में अस्पताल से लौटे हैं ऑपरेशन कराकर, लेकिन बावजूद इसके उनका हौसला और जज्बा है कि जनता की सेवा किए बगैर वो खुद को रोक नहीं पाते। अपने क्षेत्र बमोरी में लगातार सक्रिय हैं। राजधानी भोपाल में रहकर पंचायत चुनाव की रणनीति बनाने की बात हो या फिर मध्य प्रदेश में हर गरीब के सिर पर आशियाना देने की बात हो, दोनों ही मसलों में मध्य प्रदेश के ग्रामीण और पंचायत विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया अव्वल साबित होते नजर आ रहे हैं। पहले सिंधिया जी के खास माने जाते थे, अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चहेते मंत्री भी माने जा रहे हैं। जब बारी उनके जन्मदिन की आई, यानी कि जब सूबे के सियासी मुखिया शिवराज जी का जन्मदिन था, तो यही मंत्री जी गाकर गुनगुनाकर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां भी दे रहे हैं। और इस बार होली पर भगवा रंग की अमीट छाप मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता पर बिखेर रहे हैं। तो बुरा ना मानो होली है, और आइए देखते हैं एमपी न्यूज पर कैसी है मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की ये सियासी होली। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब, लंबी आयु लगे, इसी तरह आपके नेतृत्व में प्रदेश प्रगति करता रहे। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है और हम सबकी उम्र आपके साथ है, और इसी तरह ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ सदैव बना रहे। और हमारी आदरणीय साधना भाभी जी, उनका सानिध्य आपके साथ इसी तरह बना रहे, और दोनों खुशी से मध्य प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाएं, यही हम सबकी कामना है। बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं।